सभी दोस्तों का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? और दोस्तों आज हम आपको बहुत ही अद्भुत जगह मुंबई की लेकर जाने वाले हैं। दोस्तों आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं मड आइलैंड। जी हां दोस्तों, मुंबई की सबसे ज्यादा अगर शूटिंग डे और नाइट कहीं चलती है तो ये मड आइलैंड। ये गांव में क्राइम पेट्रोल की शूटिंग होती है अक्सर। इसको हम लास्ट में पूरा दिखाएंगे इस गांव को। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले हम आपका बहुत ही खूबसूरत जगह पर लेकर जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, इसे आक्सा बीच के नाम से जाना जाता है और ये यहां पर रिसोर्ट भी है, इसको भी हम दिखाएंगे। तो फिलहाल सबसे पहले सबसे खूबसूरत जगह के दीदार करिए आप लोग। जी हाँ दोस्तों, ये मुंबई का आक्सा बीच है और इसी बीच पर सबसे ज्यादा शूटिंग होती है फिल्मों की। बहुत सारी अनगिनत फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर की गई है। आपने गाना देखा होगा वो जाने जाना सलमान खान का, उसका सेट पूरा यहीं पर लगाया गया था। और क्रांति फिल्म देखी होगी, उसका शिप भी आखिरी का पूरा सेट यहीं पर लगाया गया था। सेट क्या, वो तो शिप था लेकिन यहाँ पर खड़ा करके उसके शॉट लिए गए थे। और आपने धर्मवीर फिल्म देखी होगी, क्रांति फिल्म, और ज्यादातर मतलब जितने भी अगर बीच का शूटिंग करना रहता है, बीच पे शूटिंग करना रहता है समुद्र के किनारे, तो यहीं पर आकर शूटिंग करते हैं क्योंकि इस बीच पर भीड़ कम मिलती है और सुबह 7 बजे आकर शूटिंग कर लेते हैं। 7 से 2 के बीच में शूटिंग करके निकल जाते हैं क्योंकि शाम को फिर पब्लिक का आना जाना शुरू हो जाता है। पब्लिक को कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों, शूटिंग के लिए स्पेशल परमिशन ली जाती है और उसके पश्चात शूटिंग की जाती है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी समुद्र की लहरें आपका स्वागत कर रही है और यहाँ पर बहुत ही साफ पानी मिलता है। आपको अगर नहाना है तो यहाँ पर आप आकर नहा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं मुंबई का आक्सा बीच। दोस्तों यहाँ की खूबसूरती की बात ही कुछ और है। ऐसा लगता है कि आप गोवा में हैं या किसी बाहर फॉरेन कंट्री के बीच पर है दोस्तों। और मेन सबसे पहली बात यह है कि ये यहाँ पर ज्यादातर शूटिंग यहीं पर की जाती है क्योंकि जुहू बीच पर तो पब्लिक का जमावड़ा लगा ही रहता है वहां पर। और यहाँ पर आने के लिए आपको मलाड स्टेशन से 271 नंबर की बस चलती है। अगर आप बस से आना चाहते हैं मलाड वेस्ट से 271 नंबर की बस आप पकड़िए और उनको बोलिए कि मुझे आक्सा बीच जाना है, वहां का टिकट लीजिए। 10 रुपए का टिकट रहेगा और आप इस जगह पर पहुंच सकते हैं। और इसके बाद हम आपको जहां पर दिन रात मड आइलैंड में बंगलोज में शूटिंग चलती है, यहां पर जितने भी बंगले हैं वो शूटिंग के लिए ही बनाए हुए हैं। मिथुन साहब का बंगला है और अक्षय कुमार का बंगला है। और दोस्तों ये भाटिया आइलैंड, यहीं पर जब से क्राइम पेट्रोल शुरू हुआ है यहीं पर इसका फिक्स सेटअप है। अंदर के शॉट, कोर्ट के शॉट, हॉस्पिटल के शॉट सब यहीं पर लिए जाते हैं। और ये शूटिंग की वैनिटी वैन खड़ी हुई है और ये राइट साइड में ये बंगला है। यहाँ पर बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर की जाती है। अमंडी बंगले के नाम से ये बंगला जाना जाता है दोस्तों। और ये आप यहाँ पर द रिसोर्ट होटल देख रहे हैं, यहाँ पर भी आकर आप स्टे कर सकते हैं अगर समुद्र का आनंद लेना है। यहाँ पर आपको जुहू बीच से थोड़ा सस्ता होटल यहाँ पर मिल जाएगा। ये मार्शल जो बंगलोज हैं, ये सब बंगलोज के नाम हैं। इन बंगलोज में सभी में शूटिंग की जाती है। ये पूरा मड आइलैंड
और अभी हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जगह लेकर चल रहे हैं, जहां पर दिन और रात शूटिंग का काफिला लगा रहता है। ऐसा कह लीजिए ये है शूटिंग का मड आइलैंड दोस्तों। वाकई यहाँ शूटिंग ही शूटिंग मिलेगी आपको। ये बंगला है, यहाँ पर भी शूटिंग चल रही है, और इसके बाद हम जो बड़े बड़े बंगलोज हीरो के दिखाते हैं वहां पर आपको लिए चल रहे हैं, बड़े बड़े बंगलोज में कि NRIs वगैरह जो आते हैं बाहर से और बड़े बड़े बंगलोज में मुंबई में ठहरते हैं, तो यहाँ पर बड़े बड़े बंगलोज बने हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर शूटिंग चल रही है, ये फिल्म की शूटिंग चल रही है दोस्तों, ये वैनिटी वैन। यहाँ पर मिथुन चक्रवर्ती की शूटिंग चल रही है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी सामान रहता है। और ये बंगलोज आप राइट साइड में जो देख रहे हैं इनमें भी शूटिंग चलती है, शुभम बंगले के नाम से जाना जाता है। और जितने भी बड़े बड़े कोठियां दिखाते हैं, बड़े बंगलोज दिखाते हैं, ये देख सकते हैं आप, यहीं पर शूटिंग की जाती है। इनको रेंट पे लिया जाता है, 20 से 50 हजार रुपया पर डे किराया रहता है इन बंगलोज का। तो इनकी कीमत का अंदाजा आप लगा सकते हैं कितनी यहाँ पर वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा फिर भी सस्ता है अगर मेन मुंबई में शूटिंग करते हैं। इस बंगले को दोस्तों कबीर फिल्म आई थी अभी, उसमें दिखाया गया था, और ये अब हम ये देख सकते हैं आप, ये कबीर फिल्म में इस बंगलो को दिखाया गया था। पूरी शूटिंग, इसकी माँ की मृत्यु हो जाती है, यहीं पर शूटिंग की गई थी। और ये बंगला जो है यहाँ ही पर सोनू निगम का बंगला है, ये दौलत विला के नाम से जाना जाता है। फिल्मों में जितने भी बड़े बड़े बंगले दिखाए जाते हैं सभी की शूटिंग यहीं पर करते हैं। ये मड आइलैंड है दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ कोई रहता नहीं है, यहाँ पर ये बंगले शूटिंग पर ही दिए जाते हैं। शूटिंग से आमदनी होती है और लाखों रुपया इंसान कमा लेता है दोस्तों। और ये देख सकते हैं आप, ये लेफ्ट में यहाँ पर भी ये एक फिल्म की शूटिंग चल रही है। किस तरह से सेटअप किया जाता है, ये अमोर बंगलो है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर भी शूटिंग चल रही है। और ये इसके ऊपर सीधा स्ट्रेट ये सूचक बंगला है, ये बहुत ही प्राचीन बंगला है। और इसके बाद हम आपको ये दिखाएंगे, आर्या बंगला लेकर जाएंगे। ये लेफ्ट में ये निकुंज बंगला है, और इसके पास में ही आर्य बंगला है, इसके आगे ये जनरेटर वैन, ये आर्य बंगले का गेट है दोस्तों। ये काफी टॉप पे है, ऊंचाई पर आप देख सकते हैं काफी हाइट में, और ये शूटिंग यहाँ पर चल रही है। इतनी बड़ी बड़ी लाइटें लगाई जाती है, ये मड आइलैंड अपने आप में शूटिंग के नाम से ही जाना जाता है दोस्तों। और ये आप देख सकते हैं यहां पर शूटिंग का काफिला, आप इस जगह को कह सकते हैं, और शूटिंग ही शूटिंग यहां पर होती है। दिन में आओ या रात में आओ, यहां पर भी आपको कोई टिकट लेने की जरूरत नहीं है, और आप फ्री में आकर यहाँ शूटिंग देख सकते हैं। ये गाड़ियां सब किराए पर मंगाई जाती है, किसी गुंडे का शॉट रहता है तो उसको जीप में बैठाकर, और अब हम आपको लेकर आए हैं जो मड आइलैंड का किला है उसके पास से। ये आपको समुद्र का दृश्य दिखा रहे हैं, यहाँ पर मछुआरे भी हैं जिनकी रोजी रोटी समुद्र देवता की वजह से ही चलती है दोस्तों। ये मछलियां यहाँ पर सुखा रखी है छोटी छोटी, और उनको एक्सपोर्ट किया जाता है ऐसे डब्बे में बंद करके। और ये मड किला, ये आप देख सकते हैं, ये मड किला यहाँ पर शूटिंग हुई थी, रावड़ी राठौड़ का गाना शूट किया गया था। और ये यहाँ पर दोस्तों ये अंधेरी है उस साइड में समुद्र के, ये दूसरी तरफ अंधेरी है, यहाँ से होड़ी से क्रॉस किया जाता है, नाव से क्रॉस करके आप अपनी व्हीकल को भी लेके जा सकते हैं, टू व्हीलर को। और ये देखिए शिप, यहाँ पर जब पानी ऊपर आ जाता है तो इस शिप को
समुद्र के अंदर लेकर चले जाते हैं। भर्ती आती है रात में करीबन 12 बजे, पूरा यहाँ कॉर्नर तक पानी आ जाता है और दोपहर के समय वाटर लेवल थोड़ा कम हो जाता है और बारिश में तो ज्यादातर समुद्र भरा रहता है। और ये आप अंधेरी देख रहे हैं, यहाँ से भी आप अंधेरी जा सकते हैं, ये शॉर्टकट रास्ता है यहाँ से अंधेरी जाने के लिए। 7 बंगला हुआ, 4 बंगला हुआ, आप यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन आपकी कार नहीं जा सकती है। लेकिन आप अगर बाइक के माध्यम से आते हैं तो बाइक को नाव में रखकर, कश्ती में रखकर, बड़ी कश्ती रहती है, उसका किराया लेते हैं वो लोग 10 से 20 रुपया, और 5 रुपया व्यक्ति का किराया लगता है यहाँ से इस पार से उस पार जाने के लिए। और यहाँ ये बंगला है, यहाँ पर भी शूटिंग की जाती है। पूरा मड़ा आइलैंड मतलब शूटिंग के लिए ही बना हुआ है और ज्यादातर कोहली लोग यहाँ पर रहते हैं, जो मछुआरे रहते हैं दोस्तों, वो यहाँ पर उनका जीवन यापन जो है समुद्र में जो मछलियां पकड़ी जाती हैं उनसे होता है। और ये 271 नंबर की बस यहाँ ये लास्ट आती है, इसके बाद में फिर ये बस वापस से मलाड़ स्टेशन के लिए चली जाती है। और इसी के बीच में एक और शूटिंग लोकेशन हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर भी फिल्मों की शूटिंग होती है और ये सेट भी मेले का लग रहा है, किसी फिल्म की शूटिंग के लिए ही लग रहा है दोस्तों। ये सामने हम जूम करके दिखा रहे हैं, ये देखिए शूटिंग चल रही है यहाँ पर। और ये खत्म होने के बाद में ये लोग बाहर आएंगे और मेले का सेटअप पूरा हो जाएगा, उसके बाद में शूटिंग की जाएगी। और यहाँ पर आपने इस जगह को बहुत ध्यान से देखिए, जितनी भी पुरानी फिल्में हो, नई फिल्में हो, सब ज्यादातर यहीं पर शूटिंग करते हैं समुद्र के किनारे की। और ये बहुत ही प्राचीन चर्च है, लेफ्ट साइड में आप ये देख रहे हैं यहाँ पर। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं दोस्तों। ये आपको जो हमने बताया था कि आपको हम क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया के लिए ये गांव यूज किया जाता है हमेशा, क्योंकि उसके लिए सेट बनाने में बड़ा खर्चा हो जाता है, गांव वालों को भी आमदनी हो जाती है उससे, इनका भी खर्चा चलता है। और यहाँ पर वो लोग किराए पर लेकर रूम और ये गली गलोचे गलियारों में यहाँ पर शूटिंग कर लिए जाता है, भागने दौड़ने के शॉट यहाँ पर ले लिए जाते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपका ये वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।